हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा एंड आई एम एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। सो गाइस, आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, और आज के दिन ही है दिवाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो दोनों ओकेजन्स एक ही दिन पर आ गए हैं, तो दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये एक टिपिकल वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपके सामने आऊँगा और मैं आपको रेगुलर जो मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊँगा। तो आज दिवाली है, चिल्ड्रंस डे है, तो कुछ डिफरेंट होना तो बनता ही है। तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ कुक। यस, आज मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ, आज मैं करने वाला हूँ कुक। तो मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए कुछ आज डिफरेंट करते हैं, और सिंस दिवाली का मौका है, चिल्ड्रंस डे का मौका है, तो आज मुँह मीठा करना तो बनता ही है। सो आज गाइज मैं बनाने वाला हूँ हलवा। यस, मैं हलवा बनाने वाला हूँ। वीडियो में मैं कुक करूंगा, हलवा बनाऊंगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और आप भी अपने घर में यही सेम रेसिपी फॉलो करके सबको खिला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली एज वेल एज चिल्ड्रंस डे। चलिए गाइस, मैं बनाने वाला हूँ आज आटे का हलवा, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा उतना पसंद नहीं है, मुझे आटे का हलवा ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आटे का हलवा बनाऊँगा, तो आप भी देखिए मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो मेन इंग्रेडिएंट है वीडियो का वो है हमारा आटा। तो ये मैंने आटा लिया है, अगर आप देखें अराउंड ये 1 कप आटा है, ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। 1 कप आटा है, और ये हलवा अराउंड 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा इंग्रेडिएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है देसी घी। देसी घी के बिना हलवा तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि टेस्ट सारा घी का ही आता है। मैं थोड़ा घी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज टेस्ट जो हलवे में है वो मेन घी का ही होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने 1 कप आटा लिया, तो 3/4 कप आप घी लेंगे। आप सब साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सपोज 100% हमने आटा लिया तो 75% घी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा घी नहीं खाना है तो आप हाफ भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हलवा बना रहे हैं तो आप अच्छे से घी डालिए, तो 3/4 कप आपका ही घी होगा। थर्ड, हलवा इज़ अ डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट है तो मीठा तो होना ही चाहिए। सेम रेशो हम शुगर के साथ लेंगे, सेम रेशो हमारी शुगर के साथ होगी जितना हमने घी लिया था। 1 कप आटा है तो 3/4 कप हमारा घी है, और 3/4 कप ही हमारी शुगर है, ठीक है। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालता हूँ, क्योंकि बहुत पिंच ऑफ इलायची पाउडर हम डालेंगे, क्योंकि उससे जो टेस्ट है हलवे का वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वाटर, पानी। पानी कितना लेना है, जितना हमने आटा लिया है उससे डबल पानी। तो मैं दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 कप आटा अगर आप ले रहे हैं, तो 3/4 कप आपको चीनी लेनी है, 3/4 कप आपको घी लेना है, और 2 कप्स आपको वाटर के लेने हैं। तो चलिए अपना इंडक्शन ऑन करते हैं और हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपना इंडक्शन ऑन कर दिया, और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप मीडियम फ्लेम पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे बना रहा हूँ वो है 1200 डिग्री सेल्सियस, और मैं बीच में टेम्परेचर कम भी करता रहूँगा, तो आप गैस पे मीडियम फ्लेम पे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना पैन लिया है, और मैं इसमें डालूँगा घी। तो पहला स्टेप यही है कि जो भी आपका घी है वो आप इसमें डाल दो। बेशक ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि घी तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसी बात नहीं है। जब आप हलवा बनाओगे और जब हलवा फाइनली बनेगा, तो आपको लगेगा जितना हमने घी यूज़ किया था वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। तो चलिए अराउंड 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा इस घी को गर्म होने के लिए। तो तब तक हम वेट करते हैं और इसको थोड़ा सा घी गर्म होने देते हैं। तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे 30 सेकेंड्स से 1 मिनट तक अगर आप रखोगे, तो आपका जो घी है वो गर्म हो जाएगा। तो 1 मिनट का हम इंतज़ार करते हैं, और हम अपने घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। सो गाइज, अराउंड 1 मिनट हो गया, और मेरा घी हो चुका है गरम, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा इसमें आटा, तो ध्यान से आटा डालेंगे, क्योंकि बाहर उछलता है ये आटा एकदम। तो मैं आराम से अब इसमें डालूंगा आटा। तो ये मैंने अपना 1 कप आटा इसमें डाल दिया है, और देखिए मैं इसको स्टर करूंगा। स्टर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको स्टर नहीं करोगे गाइज, इसमें लम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो मेरे थोड़े थोड़े लम्स बनना शुरू हो गए हैं, बट अगर मैं इसको स्टर करता रहूँगा तो ये जो लम्स हैं ये गायब हो जाएंगे। मैं थोड़ा अपना इंडक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया है, आप इस टाइम पे स्लो गैस भी कर सकते हैं। तो देखिए लम्स एकदम गायब हो गए हैं,
और अब मैं अच्छे से क्या करूँगा, इसको भूनूंगा, ठीक है। इसको भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अब मैं आटा डाल के इसको भूनूंगा। और इसमें आपको जल्दी नहीं करनी है कि जैसे आपने आटा डाला है आप उसी वक्त चीनी डाल दें, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, आपको इसको थोड़ा और डार्क ब्राउनिश तक करना है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अराउंड अगर मैं आपको बता दूँ, टू मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, आप आराम से इसको भूनिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टर करते रहिए, अगर आप स्टर नहीं करेंगे इसमें लम्स बन जाएंगे और वो हलवे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो देखिए गाइस, मैं इसको स्टर कर रहा हूँ जिससे कि इसमें जो लम्स हैं वो ना बने, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, घी की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको हम स्टर करते हैं। कहीं पे भी आपको लगे कि आपका जल रहा है हलवा, या आपको कोई और काम में लग रहे हैं, तो आप अपनी गैस जो है वो बिल्कुल कम कर सकते हैं। सो अराउंड 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट मैं और इसको अभी आराम से घी में भूनूंगा, ठीक है। सो 2-3 मिनट्स अगर आप इसको भूनेंगे तो आटा बिल्कुल आपका कच्चा नहीं रहेगा। तो गाइज, अराउंड 2 मिनट्स हो गए और आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया है। तो हमारा जो हलवा है वो घी में हमने भून लिया है अच्छे से। तो चलिए अब शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, और चीनी के साथ हम इसको दोबारा भूनेंगे। तो ये मैंने चीनी डाली है, अगेन घी की तरह आपको लग रहा होगा चीनी काफ़ी ज़्यादा है, बट डोंट टेक टेंशन, हलवे में चीनी कम हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो 3/4 कप शुगर मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। आप ट्राई करना, आपको चीनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम चीनी डाल के 1-2 मिनट इसको और भूनेंगे, हम अच्छे से चीनी इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चीनी के साथ अब ये और भुनेगा, तो स्टर करते हैं। देखिए जो लम्स हैं वो मेरे पूरे गायब हो गए हलवे से, ठीक है। अगर आप घी कम डालेंगे गाइस तो लम्स बनने के काफ़ी चांसेस हैं। मैंने सफिशिएंट घी डाला था इसलिए मेरे जो लम्स हैं वो यहाँ नहीं बन रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाता है हलवा, इसको टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट्स के अंदर आपका ये हलवा तैयार होता है। और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, बिकॉज इसमें घी है तो घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जब तक मेरी चीनी इसमें मिक्स हो रही है, मैंने आपको बताया था कि मैं इलायची पाउडर डालने वाला हूँ, क्योंकि इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इलायची पाउडर, ठीक है। इतना इलायची पाउडर काफ़ी है, 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मेरा 1 कप ही हलवा है, तो मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूंगा। इससे जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही। तो ये रहा मेरा 1 कप ऑफ वाटर। ठीक है, इसको मैं साथ में ही स्टर कर लेता हूँ, ठीक है। और जल्दी से अब मैं डालूंगा इसमें 1 कप वाटर मोर। ये मैंने 1 कप और पानी इसमें गाइस डाल दिया है। बस अब हमें इसको कुछ नहीं करना है, और अब हमने इसको कुक करना है और वेट करना है हलवा बनने का। तो चलिए देखते जाइए कि हलवा कैसे बनता है। कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना, क्योंकि यहाँ पे लम्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और वो लम्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो देखिए अब कितनी अच्छी थिकनेस आ रही है हलवे की, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हम रुकेंगे नहीं, हम इसको स्टर करते रहेंगे। मैं अपना टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, मैंने लो फ्लेम की थी, अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। ये देखिए गाइस, हलवा आपका बनना शुरू हो गया है। अभी 1-2 मिनट हमें इसको अच्छे से इसमें स्टर करना है। देखिए लम्स नहीं बने हैं क्योंकि मैंने इसको स्टर करता रहा, अगर मैं स्टर नहीं करता या घी कम रखता तो लम्स बनने लगते। और मैं आपको ट्रिक बता दूँ, आपको कैसे पता चलेगा हलवा बन गया है, आपका जो हलवा है वो आपकी कढ़ाई से सेपरेट होने लगता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए,
सी यहाँ देखिए कैसे ये कढ़ाई से बिल्कुल एकदम सेपरेट हो रहा है, ये कढ़ाई से साइड हटना शुरू हो गया है और देखिए कितनी अच्छी इसकी थिकनेस आई है, ठीक है। बट इसको अभी एकदम हम बंद नहीं करेंगे, मैंने अपना जो फ्लेम है, ठीक है, आपकी गैस की फ्लेम आप लो कर सकते हैं, मैंने इंडक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया है और देखिए गाइस ऑलमोस्ट हमारा हलवा तैयार है। इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आई है, लम्स भी नहीं बने हैं और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया, ठीक है। तो मैंने पानी डालने के बाद मैं अभी भी इसको स्टर करते रह रहा हूँ जिससे कि कच्चा ना रह जाए। तो आराम से 3 से 4 लोग इस हलवे को खा सकते हैं, अगर आप एक बड़ी कटोरी हलवा बनाएंगे सो 3 to 4 पीपल कैन हैव इट ईजिली। सो गाइज मेरा हलवा हो चुका है तैयार। हाँ, बट अब इसमें एक एडिशनल चीज़ है जो आप सब कर सकते हैं कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अगर आपको किशमिश पसंद है, काजू पसंद है, बादाम पसंद है तो आप छोटे छोटे काट के इसमें डाल सकते हैं। मुझे प्लेन हलवा पसंद है तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता वो सब डालना, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो मैं प्लेन हलवा ही सर्व करने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगा, थोड़ा सा हलवा मैं निकालूंगा जितना मुझे इस वक्त खाना है, बाकी मैं रख दूंगा कढ़ाई में ही। ठीक है, सो आई एम नॉट वेरी मच गुड इन प्लेटिंग, ठीक है, बट जैसे भी मुझसे हुआ है मैंने प्लेटिंग कर लिया। और ये देखिए गाइस, ये हलवा देखिए, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है इसकी, लम्स भी नहीं है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो चलो अब मैं एक बार खा के बताता हूँ कि ये कैसा लगा मुझे। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग गाइज, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मीठा भी बहुत परफेक्ट है, घी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मुझे तो अपना बनाया हलवा बहुत अच्छा लगा और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है एज मैंने बोला था तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मुझे तो भाई ये प्लेन ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं अपना हलवा एंजॉय करता हूँ। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। एंड गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन अकेडमी प्लस एंड एन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड ईजी हिमाल। अगर आप ईजी हिमाल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ कि अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। An Academy has launched a new subscription plan which is known as Iconic Subscription Plan. So basically it is an extension of Plus Subscription Plan. So either an existing Plus learner can upgrade to Iconic or a new learner can also take Iconic Plan. So the price points for Iconic Subscription Plan is slightly different from your Plus Subscription Plan because the learner will get some additional benefits. Like in Plus, you are getting interactive live classes, India's best educators, live tests and quizzes, Creative Corner. Now, what is the advantage of taking Iconic Subscription? It is that a personal mentor will be assigned to you. There will be dedicated live doubt classes for all Iconic learners. The personal mentor will speak to you, your parents, and provide you with a proper study plan. So guys, it will help you in creating a very structured study.